तो दोस्तों, हमने BSTC परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमने पार्ट 4 पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा खरीफ फसल। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका उत्तर होगा श्रीगंगानगर में। ठीक है, श्रीगंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा गेहूं। ठीक है, गेहूं है जो राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न है। कौन सा? गेहूं। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है? राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो क्या होता है? बाजरा। ठीक है, बाजरा है जो सबसे अधिक उत्पादित होता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा जयपुर में। ठीक है, जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ है जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो आपका उत्तर होगा पर्शिया से हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा सांगानेर। ठीक है, सांगानेर शहर है जो बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? सांगानेर। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, तो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? तो आपका उत्तर होगा जलमार्ग। ठीक है, जलमार्ग है जो राजस्थान में परिवहन के साधनों में नहीं है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर में। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? जयपुर में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है? तो कौन सा है? NH3। ठीक है, NH3 है जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर लिखा हुआ है लेकिन असलियत में जोधपुर है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है जोधपुर में है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद रखना है यह कराया था रावदेव हाडा ने। ठीक है, रावदेव हाडा ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? तो आपको याद रखना है यह है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में कौन सा स्थान स्थित है? फलोदी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है यह है जयपुर में है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है?
तो आपका उत्तर होगा माड़। माड़ है जो जैसलमेर का प्राचीन नाम है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है जैसलमेर नगर के संस्थापक है, तो आपका उत्तर होगा राव जैसल। ठीक है, राव जैसल थे जो जैसलमेर नगर के संस्थापक थे। अगला देखते हैं, अगला सवाल है आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1150 ईस्वी में। 1150 ईस्वी में आमेर का किला निर्मित हुआ था, कहाँ पर, कब, 1150 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था, उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है यह बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, कौन सा किला, कुंभलगढ़ का किला। अगला देखते हैं, अगला सवाल है प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है, प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है, तो आपका उत्तर होगा जयपुर जिले में स्थित है कौन सी झील, सांबर झील। अगला देखते हैं, तो अगला सवाल है ईस्टर लॉट कहाँ है, तो आपको याद रखना है यह है जयपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है भरतपुर के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है राजा सूरजमल। ठीक है, राजा सूरजमल थे जो भरतपुर के संस्थापक थे। अगला देखते हैं, अगला सवाल है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है स्थित है अजमेर में। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।